लाइब्रेरी बनाई हमने महात्मा गांधी लाइब्रेरी, मालूम है ना आपको, 20,000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी। आपको मालूम है 6 महीना पहले क्या किया, आपको पता है किसी को? 20,000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी को आधी लाइब्रेरी बंद कर दिया है, और ये रसाज के पास म्युनिसिपैलिटी का अच्छा खासा ऑफिस था, उसको वहां जाकर के चालू किया। मतलब आदमी को एजुकेशन से भी कोई संबंध नहीं। हमने जब डेवलपमेंट प्लान बनाया तभी शहर में हर जगह लाइब्रेरी का हमने रिजर्वेशन करवाया, हर जगह। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या आपके हमारे शहर में, हमको पता था कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग आके रहने वाले हैं, और उनके लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी, क्योंकि मुंबई में हम देखते थे कि वो बच्चे लोग नाके के ऊपर कोने पे कहीं पे जिम होता है ना, ओपन जिम वगैरह, उसकी लाइट में बेचारे बैठ के पढ़ते हैं। अब मुंबई से यहाँ पे जो माइग्रेट होके आए हैं वो कोई बहुत अजबो खजबो लोग नहीं आए ना, मिडिल क्लास के लोग आए, लोअर मिडिल क्लास के लोग आए। तो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए कि लाइब्रेरी शहर में नंबर ऑफ लाइब्रेरीज होनी चाहिए, तो हमने किया एक यहाँ पे रसाज के पास किया था, तो वो पुलिस को दे दिया, यहाँ की लाइब्रेरी पुलिस को दे दी, वहां लाइब्रेरी चल रही थी, आधी लाइब्रेरी बंद करके म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस चालू कर दिया। तो एजुकेशन में भी ध्यान दें। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, मैंने आजाद साहब जब थे तो 2 करोड़ रुपए चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर हमने 2 करोड़ रुपए लाए, और उसको नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम करके स्टार्ट किया। मेरे एमएलसी फंड से पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया। आज वहां पे डिलीवरीज होती है, 2000 डिलीवरीज होती है गरीब लोगों की, 1500 से ज्यादा सीजरिंग होती है। आज उस ओपीडी के अंदर पूरे साल में 40,000 लोगों को ओपीडी की दवा मिलती है फ्री। मैंने अपने एमएलसी फंड से 7 डायलिसिस मशीन वहां पे लगाई है, जाके देखिए 3,500 लोग डायलिसिस करते हैं साल में।